बड़ी गै कमी ते बड़ी गै नलायक पुलिस है। देखो दिने दपैह्री चोरियां हो रही लेकिन इन्हें कोई पता नहीं है। ये कुंभकर्ण की नींद सुती दी है। तो अस प्रशासन अगर इ करना चाहना कि सानू जल्दी कोला जल्दी इंसाफ चाहिए और साड़ी जी चोरी हुई है यह जल्दी कोला जल्दी पता लगना चाहिए। सर बड़ा नुकसान हुआ, गल्ला लेइए साढ़े सर कैमरे लेइए 10-15 हज़ार के कैमरे लवाए थे वो लेइए ने साढ़े। देखो तो ये 2 घंटे हुई सानू इतने बोलते प्रोटेस्ट करते आली दाली जी पुलिस है वो इतने नहीं आई है। इन्ना दुखी इन्ना दुखी किया जिन्ना कोई आखने गल जिलता पा जिला पाते कंक देवती पाते जिला पाते कंक देवती पाते त्रै जगह चोरी हुई। हाँ ज्यादा नुकसान हो गया। एक शिवजी चोरी चार बारी शिवजी हुई चार साड़ी पांच बारी कंक हुई चार गले गले त्रोलिए अंदर कैमरे जागते लाए ध्याड़ियां लाइए उंदे दुआर भी नहीं मुके ते तोड़िए ले गए। अस दुखी होइए सारी कंजक दुखी है अस भी दुखी हाँ। सारे जिन्ने चिर सारा फैसला नहीं किया इन्ने चिर नहीं असें जाना मरना कबूल करना थे अस नहीं जाना है। सारे दुखी बड़े सारी कंजक इन्ना दुखी किया था अस भी दुखी बड़े हैं। उदे उंदे वो लेइए जरा कै होंगे ने कैमरे लेइए बसका लेइए मांग करने सानू से फैसला सानू साफ करो सानू साफ करो सानू साफ चाहिए सानू काट यहाँ पे जो है डेली चोरियां हो रही हैं और मंदिरों में चोरी हो रही है दुकानों पे चोरी हो रही है। प्रशासन का बिल्कुल लापरवाही है। परसों एक मोटरसाइकिल वहां से उठाया गया पुलिस का कोई दखल नहीं कोई चोर पड़ रहे अभी तक कोई पकड़ा नहीं जाता। इतनी चोरी होगी इतनी गद्दारी होगी गांव में रहना मुश्किल हो रहा। अब दीपक कुमार बोल रहा हूँ हम मान करते हैं डेली नाका होना चाहिए डेली चोरियां हो रही हैं इधर तो जीना हराम हो गया। को बांध रखा तो फिर हम क्या कर सकते थे उसमें पहचान आप लोकल लोगों को नहीं हो सकी तो हमें कैसे हो सकती है। सातवीं चोरी है तो सर अभी तक जहां पे चोर चलो जैसे भी ये बताएंगे हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। ये रास्ता बताएं हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। जो भी कार्रवाई होगी हम करने के लिए तैयार हैं। सब दुकानों को देखेंगे कहीं से कहीं कोई क्ल्यू मिल जाएगा जहाँ उसका कोई फुटप्रिंट जिनको जिनको पहले देखा जिनको पहले सर जिनको ये पुलिस वाले हैं ये सर जिनको पहले देखा लोगों में गुस्सा साफ देख सकते हैं। इक्कीस तरीक की घोड़ी भी मेरी चोरी हुई है अभी तक उसका भी कोई क्ल्यू नहीं मिला है। हाँ जी हाँ जी वो बंदा बताओ बंदा हम कहाँ से बताएं ये पुलिस का काम है ढूंढना हम हमें पता तो हम जाने घोड़े देते हैं उसको। सर अगर तुम्हें बंदा आपको तुप्पी लेते तो घोड़ी भी नहीं लभी घोड़ी नहीं लभी अजे तक नहीं घोड़ी लभी तुम दिखी सकते हो इतने किन्ने किन्ने लोग आए कि चोरी है हर बंद निशाना बना देने जितने इंदा दाल लगा ला देने ये तो पुलिस का काम है ना इन्हें कंट्रोल करना चोरियां कोड़ी किन्नी दी कोड़ी कोड़ी मेरी 25,000 दी मिली आई दी मिली नहीं है अभी मैं दिहाड़ी दार बंदा कुत्थे जाना मैं किन्ने दिन दी गल हुई 21 तरीक दी गल 6 दिन दी गल हुई अज 6 दिन होई है इंदी कोड़ी चोरी होए दे लेकिन आज तक कोई पता नहीं लगा चोरियां फिरा देना जिन्ना अंधा दूर फिरा देना कोई पता नहीं लगा दा ते दुनिया बड़ी दुखी है। देखो 2 घंटे हुए बैठे थे पुलिस का कोई एक्शन नहीं सर पुलिस वाले खाली 100-100 रुपए का चलान काट रहे हैं वो भी हेलमेटों के। पिछली बारी हमने इनको बंदा पकड़ के दिया था इन्होंने 4-5 दिनों में उसको भी छोड़ दिया था अभी आके बोल रहे हैं आप मार्गदर्शन करिए तो पुलिस किस लिए अगर हमें ही मार्गदर्शन करना है तो पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए क्या काम है इनका हमारे लिए है ये लेकिन हम लोगों को डरा के रखते हैं चलान काटते हैं आते जाते राहगीरों को रोका जाता है। आपको लगता है जिनको डराना है चोरों को उनको नहीं डरा पा रहे उनको कोई नहीं डरा पा रहा। पुलिस स्टेशन के बाहर से बाइकें चोरी हो रही हैं सबके सामने शरेआम चोरियां हो रही हैं लेकिन आज ये 4-5 चोरियां हुई हैं यहाँ पे आए हैं 200 से 250 चोरी हो चुकी है पुलिस का कोई कानों कान खबर नहीं है कुछ करने को तैयार नहीं है। तस्वीरें तुम लगातार दिखा दो सुल्तानपुर ग्रां तू
पुलिस वाले राती मैं कंप्लेंट की आए सवेरे ताला ये चोर जो पकड़ के हमने दिया तो पुलिस वाले बोलते हैं ये चोर छुड़ाई है। हमें ये मालूम नहीं पड़ता भी कौन सा चोर पकड़ के देना है इनको। ये चोर पकड़ के हमने पुलिस स्टेशन में दिया वो शुदाई बना देते हैं। ये पुलिस चोर भी हमने पकड़ के दिया है तो और पुलिस वाले चोर को शुदाई बना देते हैं वहाँ पे। ये हाल है बुशरा पुलिस का, कहते हैं ये मेंटल है। बुशरा की पुलिस का ये हाल है। अगर हम चोर पकड़ के देते हैं उनको वो बोलते हैं ये शुदाई है। चोर पकड़ना तो पुलिस का काम है ना, पुलिस नहीं पकड़ सकती चोर। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ इतनी चोरियां दिन में दिन बढ़ती रही है, बुशरा पुलिस बिल्कुल चोर नहीं पकड़ सकती। मैं तो आपको आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मैं हाई अथॉरिटी को यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे नफरी बढ़ाई जाए जो दिन ब दिन चोरियाँ हो रही हैं उस पर जो लगाम लगनी चाहिए, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ये दिख से तो साफ तौर पर नीटू कौन आया, कोई घर का बेदी लंका डाए वही है ना, वही आता है। तो कहाँ पुलिस प्रशासन कहाँ गया? चलो तो 8 दिन से 5 दिन से जो मोदी आ रहा था तभी चलो बिजी थे, अभी कहाँ ये चोरी होगी, कहाँ गई फिर, कहाँ थे फिर ये? सर आपको क्या लगता है? लावर भाई प्रशासन की है, बिल्कुल प्रशासन की है। क्यों नहीं करते ये, क्यों नहीं करते भाई, विजिट क्यों नहीं करते, अपना गश्त क्यों नहीं लगाते इधर, लगाए ना। कहीं किसी की आग लग जाती है उनको फायर ब्रिगेड को फोन करो, तब तक आग तो गांव वाले भिजा देते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी बाद में पहुंचती है। ये कोई वो तो है नहीं है, प्रशासन पूरा फेल होता दिख रहा है। बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है। तो दिखावे के लिए नाके हैं, नाके दिखावे के लिए हैं, नाके कुछ करते हैं वगैरह लेके घूम रहे हैं। क्या प्रशासन उन्हें पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। क्यों नहीं पूछ रहा भाई, क्या इनकी मिली भगत है? किसी घर में अगर कोई लड़का कोई बार बार कोई इंसिडेंट करता है तो लोग क्या बोलते हैं कि इसके माँ बाप की सपोर्ट है, यही बोलते हैं ना। तो यहाँ पर रोज़ चोरियाँ हो रही हैं तो इसका क्या है? सामने दिख रहा है कि सपोर्ट है इनको, अगर सपोर्ट नहीं है तो ये चोरियाँ नहीं होंगी। चिट्टा इनसे बंद नहीं हो रहा, रात को लोगों को जिनको जो शरीफ बंदा होगा ना बाइक पर जा रहा होगा पुलिस नाका लगाती है उठा लेती है झट से, लेकिन जो बंदा ये इंसिडेंट करता है उनको कभी नहीं रोकते। आप विदाउट हेलमेट जाइए अभी पकड़ लेंगे ये, बट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है इनको पता ही नहीं है हो क्या रहा है। इनकी नाक के नीचे, यहाँ से पुलिस स्टेशन कितना है 2 किलोमीटर, नाक के नीचे चोरियाँ हो रही हैं, कुछ पता नहीं है। जब पूछो जी हम जांच कर रहे हैं, कौन सी जांच कर रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले मुझे याद है कीमती जी ने एक रिपोर्ट कवर की थी, किसी की बाइक चोरी हुई थी और वो बाइक उस बंदे ने खुद ढूंढी थी, उसके बाद इंसिडेंट क्या हुआ? कुछ नहीं। तो यही चीज़ हो रही है, परसों हमारे यहाँ पे नीलम पैलेस से बाइक चोरी हो जाती है, सब कुछ है, बंदे वहाँ पे दिख रहे हैं, कैमरे वगैरह लगे हैं, लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं। यहाँ से घर से लोगों का सामान चोरी हो रहा है, कुछ नहीं। तो प्रशासन क्या कर रहा है? बिश्नाह में जो लोग नशा बेचते हैं ना, इनको अगर पुलिस पकड़ कर जेल में बंद कर दे तो पूरे इलाके की चोरियाँ बंद हो जाएंगी। बड़ा मेन कारण है जो बिश्नाह इलाके में नशा हो रहा है। ये जो लोग नौजवान लड़के हैं ये बाहर से कैप्सूल लाते हैं, करेक्सी बोतलें लाते हैं। बिश्नाह में पिछले दिन दिवाली में एक नशे के इन्होंने लड़कों में पकड़ा, वो पकड़ते हैं छोड़ देते हैं। ये मुख्य कारण है जो हमारे जम्मू में बिश्नाह में नौजवान लड़के नशा कर रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, मुख्य कारण नशे का है। अगर नशे वाले लड़कों को पकड़ कर 10 साल जेल में डाल दिए जाए तो कोई नौजवान दोबारा हिम्मत नहीं करेगा चोरी करने की। पकड़ेगा कौन? पुलिस ही पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा? जो ठीक है आप उनको पकड़ के अंदर डाल दो, लेकिन पकड़ेगा कौन? पुलिस के पेट्रोल की महंगाई का राग हुआ पुराना, इलेक्ट्रिक स्कूटर का आ गया है जमाना। TNR इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ 10 पैसे पर किलोमीटर पर चले। विजिट मेगा पावर सर्विस बाईपास कुंजवानी।